टप 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 खूनी खून खूनी खून कल तेरे भाई के कपड़े फाड़ दिए <laughs> कितने कपड़े फाड़ दिए थे चार से पांच सेकंड के बीच में ना ऐसा कुछ हुआ कि ना मैंने उसको यूं पकड़ा था मैंने यूं पकड़ लिया <laughs> मेरा भाई तो जीत रहा है <laughs> ये तो प्राउड मोमेंट है सारे बड़ा <laughs> मेरे को मार के दिखाता हूँ बताओ उसने एक मारा मेरे <laughs> Hey, Allianz, कैसे सारे सारे आई होप तुम सारे सारे मजे मार रहे रहेंगे और सुनने में आया कि तुम्हें स्टोरी टाइम बहुत पसंद है और उससे भी ज्यादा तुम्हें पसंद है कि जब हम दोनों बैठ के एक साथ सुनाते हैं तो बैठ के हम दोनों आज फिर से और आज इतना जबरदस्त किस्से है ना स्कूल टाइम का ये स्कूल टाइम के किस्से बड़े चल रहे हैं तुमने देखे भी लाइक भी करे और इतना जबरदस्त है मेरा साइड बोज देखो तुम्हें कुछ नोटिस हो रहा है इसकी ये नाक टेढ़ी है यहाँ से ना मेरी नाक हल्की सी टेढ़ी है यहाँ से तुम्हें नोटिस नहीं पता कि जब मैं फ्रंट लुक देखोगे ना तो तुम्हें इतना पता नहीं लगेगा जब साइड देखोगे तो तुम्हें लगेगा थोड़ा सा ना यहाँ से टेढ़ी है अब इसके पीछे की ना बड़ी फनी स्टोरी है बहुत ही ज्यादा फनी स्टोरी है उसमें एक गुंडा भी था ठीक है <laughs> गुंडा नहीं भाई प्यारा सा बच्चा भी था प्यारा सा बच्चा भी था तो बड़ा फनी थी चलो मैं स्टार्ट करता हूँ होता क्या स्टार्टिंग में मैं था तो मैं टेंथ क्लास में था जब ये मेरी नाक टेढ़ी कर दी गई ठीक है कुछ बंदों ने करी थी कुछ और नहीं एक नहीं करी थी मैं सुनाता हूँ तो मैं टेंथ क्लास में था मेरी एक बगल वाले सेक्शन में एक लड़की होती थी वो स्पोर्ट्स में थी मैं भी स्पोर्ट्स में हेड था और नैन मटक्का चलता था नैन मटक्का नहीं चलता था वो स्पोर्ट्स में थी तो बात वगैरह हो जाती थी नैन ही बोलते छपरों की लैंग्वेज में ठीक है ना हाय हेलो आई दीदी हाय हेलो तुम अमीर लोग बोलते होंगे भाई पढ़े लिखे लोग हम नैन मटक्का बोलते थे छेड़ना बोलते थे इसको तो हमारा नैन मटक्का चलता था ठीक है ऐसे कुछ नहीं था तो मैं ना उसकी क्लास में सेक्शन में गया हुआ था तो ना वो लड़का ना उसको पसंद करता होगा एक लड़का तो उसने ना सबके सामने की भाई हमारी क्लास के में आके हमारी क्लास की लड़की से बात कर रहे है, वो होता है लड़कों में ये टेंथ और साले निब्बों में ज़्यादा होता है जो ये टेंथ के क्लास के तो ना हमारी लड़कियों को कोई नहीं छेड़ेगा ये तो वो पसंद करता होगा तो ना उसने ना मुझे बेजती करके निकाल दिया मेरे साथ दो लड़के और आए हुए थे हमारी क्लास के उन्होंने ये बातें सुन ली कि इसकी बेजती हुई है और इसे बेचती करके निकाला गया है तो उसने उन्होंने क्लास में फैला दी अब हुआ क्या मैं ना बड़ा ही शर्मिंदा होकर घूम रहा हूँ क्लास में ठीक है अब घूमने ही शर्मिंदा हो गया तो और मेरे दोस्त अभी क्या करे मुझे वो ब्रेक में ना बंदा ना कैंटीन के वहाँ दिखा जिसने मेरी बेइज्जती करी थी तो मेरे दोस्त अभी क्या करे जाओ जा उतनी थप्पड़ रख दे करारा से थप्पड़ रख दे जैसी वो मारने लगेगा ना तेरे को हम सब आ जाएंगे और छुड़वा देंगे जिसने पहले थप्पड़ मारा वो जीत पर है अरे का यार बात तो सही कर रहे ये ये बोला था तुमने पुराने <laughs> सुनो कर तो ना तुम्हें पता ही होगा जो थोड़े आरामी बच्चे होते थे तो उनको स्कूल टाइम में जो लड़ाई देखनी थी और जब ना दिख रही हो तो करवानी करवानी ताकि देखने को मिल जाए <laughs> सही बात है <laughs> तो इसके जो गुंडे दोस्त है तो थोड़े हराबी होंगे तो उनको तो बस लड़ाई देखनी नहीं तो इसको बोल रहे वो हवा हवा दे रहे जाकर रख दे रख दे हम आ जाएंगे मुझे सिर्फ इतना बताया कि जाते तूने थप्पड़ मार देना कोई बात नहीं करनी कोई चीज़ नहीं मैं उनको कह रहा हूँ यार जब तक वो मुझे बोलेगा नहीं मैं मारूंगा कैसे तो उन्होंने मुझे कहा सिर्फ थप्पड़ मारना जाते ही जैसी वो अटैक करेगा हम सब आदमी छुड़वा देंगे तूने थप्पड़ पहला मारा तू जीत गया मैंने कहा यार सही है मैं गया और मैंने उसको वहां पर जाते ना ऐसे कहा तो फिर जैसे भी मेरी तरफ तो देखे मैंने कहा हाथों ने मुझे मारा कैसे था तो वो कह रहा चला जा चला जा बहुत मारूंगा वो मेरे से ना इतना लंबा था उस टाइम पे एक फुट लंबा था मेरे से मेरी हाइट छोटी थी तो उसने दोबारा पूछा क्यों है तूने मुझे मारा कैसे था उसने बोला हाथों से और सवाल का जवाब मिल गया चले गए नहीं तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था मैंने उसको बोला तूने भाई मेरे थप्पड़ कैसे मारा कहता मैंने मारा कहा भाई मैंने तो तेरी बेस्ती करी मैंने कहा तूने मेरी बेइज्जती कैसे करी मैंने ना अपने दोस्तों की तरफ देखा वो बता करी रख दे थप्पड़ दे। मार दे मारते मेरे, मेरे को समझ मैं शरीफ बच्चा यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बगैर फालतू तो, में थप्पड़ कैसे मार दू मैंने कहा बताऊंगा वो कह रहा चला जा भाई चला जा मैंने उसका हाथ पढ़ा मैं क्या मार के दिखा दिखाता मारा मेरे <laughs> <laughs> अरे उसकी हाइट बताई कितनी लंबी थी <laughs> उसकी हाइट इतनी थी मैं उसको यूं बात करूं मैं एक मार के दिखा यूं करा ना जैसी मैंने उसने यूँ मारा पंजा मेरे माँ से हो गया और मेरी ना मुंडी जैसी इधर हुई मैंने अपने दोस्तों को देखा कोई नहीं था भाई कोई था और अब ओफिशली लड़ाई होगी थी हमारी क्योंकि तो अब उसने मेरा मार दिया था जैसे मैंने मुंह इधर करा उसने फिर थप्पड़ मार के नीचे कर दिया मेरा मुंह उसकी हाइट थी मैंने ना जैसे उसका पेट पकड़ लिया छोटा था मैं मैंने उसका पेट पकड़ दिया वो सौ रुपये लगाओ मुँह क्यों मारने पे मेरे मैं सिर्फ सिर्फ चार से पांच सेकेंड के बीच में ना ऐसा कुछ हुआ कि ना मैंने उसको यूँ पकड़ा था मैंने यूँ पकड़ लिया उसने इतने मारे मेरे सर <laughs> अरे भगवान के समा कह रहा हूँ मैंने यूँ पकड़ा हुआ था मैं यू कर रहा था और वो यू यूँ लगा हुआ था मैंने कहा छोड़ा मैंने यू कर लिया <laughs> आप आप बात से छोड़ के आ गई कहीं पे लगने नहीं दूंगा अब ना जितनी देर ना उसने मुझे बहुत मारा यार कम से कम ना तीन से पांच मिनट ये लड़ाई चली और अंधा मारा उसने मैंने उसको जो भी मारा ना उसको यहाँ यहाँ पर ऐसे ऐसे करा और कुछ नहीं अब इतनी देर में ना एक खबर जाती है इसके पास क्योंकि ये ना स्कूल टाइम में गुंडे दोस्त थे यार इसके तो इस तरह की खबर क्या पहुंचे अब ये बताएगा मैं भी शरीफ था बट मेरे जो दोस्त थे वो गंदे से थे ठीक है तो वो मेरे को अपना लेटर मानते थे क्योंकि मेरा बोलचाल ऐसा है तो उन्हें लगता था इसकी भी जान आया आती नहीं बट ठीक है फिर भी छपरी था तो मेरे तो खबर आई भाई उड़ती हुई ठीक है छोटे से स्कूल करते थे रोई तो रोई तो रोई तो, 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 तो मैं क्या हुआ कल तो तेरे भाई के कपड़े फाड़ दिए <laughs> किसने कपड़े फाड़ दिए थे और इस बार सच था मैं अपना छपरियों के साथ खड़ा हूँ कि यहाँ इधर से उधर लड़कियों के जाने का इंतजार कर रहा हूँ कोई समोसा समोसा खा लेंगे किसी से लेके खबर आया आरा भाई कपड़े फाड़ दिए मैं क्या भाई किसी ने फाट दिए तो अब मैं भागता हुआ गया कह तो उधर लड़ाई होगी उसकी मैं भागता हुआ गया जैसे तैसे अब दो चार छपरी जो मेरे आए थे वो सच में लड़ने के लिए तैयार रहते थे हमेशा उन्होंने उठा लिए कंगिया कुंगिया बाहर बनाते बनुत मारने आएंगे तो सबके साथ मेरे पीछे आ गए तीन चार अपन लड़के भाग के गए देखा जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे पहला नजरिया ये देखा कि ये और जो लड़का खड़ा है लंबा सा और लंबे से लड़के की नाक से खून आ रहा है नाक से नहीं पता नहीं कहां से खून आ रहा है वो खून में लथपथ पता है मैंने वो जो बंदा आया था मैंने इधर भाई तो जीत रहा है मैं तूने तो बोला था भाई हार रहा कपड़े पड़े मेरा भाई तो जीत रहा है मेरा भाई तो जीत रहा है <laughs> ये तो प्राउड मूवमेंट है सारे सामने वाला बिट रहा है मेरा भाई जीत रहा है तो फिर आगे का पापा अब हुआ पता अब हुआ उस टाइम पे हुआ क्या था वो उन, उन बीच में गया था वो मेरे मार ही जा रहा है मार ही जा रहा है और मेरे सर पे इतना दर्द हो गया ना मतलब कि तुम्हारे कॉन्टिन्यू जब सर पे हथौड़े बसते रहेंगे ना लंबा बंदा मार ही जा रहा है इतना दर्द हुआ ना मैंने बचाने के लिए एक बार ऐसे करा वो एक मूवमेंट था सिर्फ एक मूव था मैंने यूं करा और मेरी ये चीज़ ना वो लंबा था उसके यहाँ लगी होंठ पे और होंठ से ना ये दांतों पे लग के ऐसे कट गया उसका होंठ और दो मिनट बाद मेरे हाथों टप 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 खूनी खून खूनी खून मैंने ऊपर देखा मेरी फट गई मैंने कहा मैंने मारा नहीं है मैंने खाए सिर्फ और इसके खून क्यों, क्यों मेरी जितनी भी चोट लगी गुम चोट सर पे मैं कहाँ दिखाऊं सिर्फ दर्द हो रहा है लगा कुछ नहीं है इतने में ना बैल बजी उसके दोस्त उसको घसीट के ले गए और मैं और रोनी रह गए रोनी के दोस्त भी चले गए अब और मैं और ये देख रहे हैं मैं क्या यार ठीक है हम जीत मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट था मेरा भाई जीत गया मेरे दोस्तों के सामने इज्जत बनी है मेरी ये मुझे ये रियलाइज़ करवा रहा है मैंने बहुत पिटाऊँ कहता मैं बहुत पिटाऊँ मेरे सर में मुक्के बजे हैं वो गलती तो उसके कौड़ी लगी है और वो हरा हुआ लग रहा है कहते अब सबके सब ये समझ रहे हैं कि मैंने उसे मारा है मैं अब क्या ही कर सकता हूँ मैं भाई अब अब आगे बड़ा फनी हुआ अब ना उसके पेरेंट्स बुला लिए ठीक है अब मेरे भी पेरेंट्स को कॉल कर दी क्योंकि उसके वहाँ पता लगा कि खून ऐसे आ रहा है हूंट कट गया चार टांके लगे थे उस लड़के के तो इतने में क्या हो अब मैंने मेरे एक भी नहीं लगा है यार मेरे सिर्फ और सिर्फ मुँह पे और यहाँ मुक्के बजे थे जिससे मुझे कुछ नहीं हुआ सिर्फ दर्द हुआ वो भी अंदरूनी अब पता भी क्या कर रहा है इसने ना पत्थर कहता एक है एक काम करते हैं हैं एक काम करते है कहता तेरे ना नाखून मार देते हैं हाथ वगैरह पे नाखून मार देते हैं ताकि लगे तेरा भी एक्सपीरियंस था इन कि, कि पापा और जब आए ना तो तू तो बोल सके कि भाई तेरे भी नाखून लगे हुए हैं और कि उसकी कोणी लगी खून हो गया पत्थर चक्के ना मेरे ऐसे खरुंडे दर्द हो रही है खरुंडे मार रहा है मेरे ऐसे यहाँ यहाँ मारो ताकि वहां पर हम सबूत कर सके साला इसके लगे गुमचोट सामने वाले का भूल पट गया अब जाएंगे अब ऑफिस में मतलब प्रिंसिपल मैम है उसका डैडी है हमारे पिताजी हैं मैडम है ये कहां बताता फिरेगा कि भाई इसने भी मुक्के खाया पंद्रह मिनट तक लगातार और आपके बेटे के तो गलती से वो, वो लग गया नहीं समझ आता ना लोगों को इसलिए मैं इसके हल्के हल्के मार रहा था कि हाँ भाई दोनों बराबरी की लड़ाई थी और नाखून तेरे भी बजे पर फिर ऐसा हुआ कि उसके पेरेंट्स भी बुलाए मेरे पेरेंट्स भी बुलाए मैंने आखिरी में क्योंकि मैं स्पोर्ट्स हेट था प्रिंसिपल मैम मुझे पर्सनली जानते थे क्योंकि मेरे को बहुत मेडल मिले हुए थे हमारी इंचार्ज पहुंच गई वो अच्छे से जानती थी मैम ने कहा था ये कर ही नहीं सकता ऐसा प्रिंसिपल मैम कह रही मैं भी पर्सनली जानती हूँ ऐसी कोई नहीं है इसकी और लड़के के ना सीरियस इशू हो रहा था उसके डैडी ने भी बड़ा पंगा पाया पापा को सबने बोला टीचर्स ने ये ऐसा नहीं कर सकता लड़का तुम्हारा तो दीवार पर ये तो चलते हुए दीवार को चुम लेता है दीवार पूरा दिन खड़ी रहती है बेचारी अरे फिर मेरे नाखून वगैरह दिखा दी मैंने कहा देखो मेरे भी लगे हैं बस इसके ज्यादा लगे हैं ठीक है तो फिर बस इतना ही था प्रिंसिपल मैम ने मुझे वार्निंग दी उसे भी वार्निंग दी और बस छोड़ दिया और घर में आ गए पापा उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा सिर्फ इसलिए कि मैम वगैरह इन सब ने कहा कि ये नहीं कर सकता और मैंने सारा ब्लेम उसी पे डाल दिया था मैंने कहा मैं उनकी क्लास में क्या था ये मुझे वो कर रहे दे बेस्ती करी इन्होंने और जो कि करी भी थी पर अब जब उसके लगी थी तो क्या कर सकते पर हाँ आप जिंदगी भर के लिए उसके यहाँ पर चार टांके लगे हुए हैं जिंदगी भर के लिए और मेरी नाक हमेशा के लिए टेढ़ी है उन्हें जिंदगी भर के लिए तो बहुत सिंपल सी है उस दिन के बाद तो मैंने लड़ाई करी नहीं जब भी लड़ाई हुई है मैं चुपचाप खड़ा रहा हूँ या पीटाऊँ हाथ नहीं उठाया मैंने किसी पे लड़ाई करना गलत चीज होती है दोस्तों लड़ाई के से किसी का फायदा नहीं होता है तो बस यार ये स्टोरी टाइम था आई होप तुम सबको मजा आया होगा अगर मजा आया तो यार लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। जल्दी से जल्दी चैनल के टेन थाउजेंड करवा दो सब्सक्राइबर्स करवा दो इसकी तो सुन लो जो इसके है वही जो मेरे वाले तो बड़े स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं बढ़े सब आएंगे, आएंगे, आएंगे बमोलियान आर okay, में भेजता हूँ चलो ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक मैं बोलूंगा और मजा आएगा बड़ा अच्छा लगता है देना एंड इस चैनल को जल्दी से जल्दी टेन के तक पहुंचा दो एंड अपने दोस्तों को फैमिली में सबके साथ शेयर करो इसकी वीडियो को मजा आएगा तुम्हारा